दोस्तों देखो बस का चढ़ा दी है, फाइनली पहुंच चुका हूँ सोफुटा रोड और मेरे को पेट्रोल भराना है क्योंकि बाइक में पेट्रोल बहुत ज्यादा कम है। बंद है, बंद है भाई साहब, गाड़ी झटके देना स्टार्ट हो गई है और थोड़ी दूर पेट्रोल पड़ता है मेरी जान, बस थोड़ी सी भूख रोक ले, अभी डरवा देता हूँ तेरे पर पेट्रोल। तो ये सारे काम हो जाने चाहिए, वही ज्यादा बेटर है, तो राइड पे बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगेगी। कल एक सरप्राइज के लिए वापस आ रहा वीडियो में। भाई लोगों इतनी लंबी राइड करने के बाद एक छोटा सा एडवेंचर तो बनता था। क्लीन करने का टाइम, जैकेट तो ले ली, ग्लव्स पहन लेते हैं, एक पहन लेते हैं जी। कैमरा भी थोड़ा ऑपरेट करना, ग्लव्स के साथ थोड़ा अजीब लगता है। अरे सुबह सुबह फ्रेंड मिल गई है, कंपनी ऑफिस से आ रही थी। ओ देखते हैं दोस्तों कहाँ तक जाए कहाँ तक नहीं। और सुबह सुबह मूड खराब हो गया मेरा एकदम से, मैंने कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, एक्चुअली वो वीडियो मोड पे नहीं था, किसी और मोड पे था। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, बाबा हैंग हो जा रहा उस चक्कर में, हैंग हो रहा था पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने तो जैसे तैसे वीडियो मोड पे किया, पहले तो मेरा प्लान ही कैंसिल होने लगा। मैं कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, मूड खराब हो गया। मैं कहा यार फिर पेट्रोल वेट्रोल फूकने का फ़ायदा क्या है जब वीडियो बनेगी नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली जा ही ले रहा हूँ क्योंकि YouTube पर मेरी वीडियोस चलती रहे और ये कुत्ते बहुत खतरनाक है। और ये बहुत पीछे भागते हैं, आज कह रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है अगली वीडियो में, और वीडियो को देखना, अगली वीडियो को भी देखना, इस वीडियो को भी देखना, लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ अंधेरा है, आगे मिलते हैं थोड़ा सा। फाइनली पहुँच चुका हूँ सोफुटा रोड और मेरे को पेट्रोल भराना है क्योंकि बाइक में पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। अगर छतरपुर वाला पेट्रोल पम्प बंद हुआ तो मेरे को गुड़गांव तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाएगा काफ़ी। तो दुआ करते हैं सुबह सुबह मेरे को नहीं करना है स्ट्रगल, इतना धक्का नहीं मारना है यार बाइक को। और मेरा एक इंडिकेटर ना, मैं कहाँ करवाऊँ इसको ठीक, और जगह देख रहा हूँ। और सुबह सुबह सारे ऑफिस से घर जा रहे हैं और हम मस्ती करने जा रहे हैं। चलो आगे मिलते हैं थोड़ा सा। पेट्रोल पंप जाने के लिए यहाँ से मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ से गाड़ी आती है एकदम स्पीड में। ये देखो अरे यार पेट्रोल पंप तो बंद है। पेट्रोल पंप तो बंद है, बंद है, बंद है। गुड़गांव तक स्ट्रगल हो जाएगा काफी, अब तो पता नहीं बीच में बंद ना हो जाए बाइक। मैं कल शाम को जा रहा था अच्छा खासा, मैं पेट्रोल डलाने गया नहीं यार मैं। चलो देखते हैं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। भाई साहब गाड़ी झटके देना स्टार्ट हो गई है और थोड़ी दूर पेट्रोल पड़ता है मेरी जान, बस थोड़ी सी भूख रोक ले, अभी डलवा देता हूँ तेरे पे पेट्रोल। और आया कैसे वो छठे गियर पे 70 की स्पीड से, तो इसमें मीटर में दिखा रहा था कम से कम 38 की एवरेज। तो आई थिंक इसलिए मैं पहुंच गया, अदरवाइज मैं पहुंच नहीं पाता। अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। प्लीज रोक ले, थोड़ी देर और रोक ले।
फाइनली थोड़ी देर के लिए रुका था क्योंकि कैमरा वापस मेरा दूसरे मोड पे चला गया। पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी कभी ना दिमाग खराब हो जाता है। फोन भी मैंने सुबह सुबह स्टोरेज भर गया, पूरा रिस्टोर मारा है। अभी सारी इसकी सेटिंग करूँगा, एडिटिंग वाला ऐप डाउनलोड करूँगा, सब चीज़ में कुछ ज़्यादा चीज़ें रखूँगा क्योंकि मेरे पास दो फ़ोन है और क्या कर सकते हैं, कैमरा खराब, फ़ोन खराब, कहाँ से लाएँ कॉन्टेंट कहाँ से एडिट करें, कहाँ से बनाएं, रखें किस में। बहुत ज़्यादा हमें मतलब सबको लगता है ना कितनी इजी लाइफ है, बहुत डिफिकल्ट होती है ये सब चीज़ें मैनेज करना, ये सब चीज़ें। चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भी मैंने टाइट करवाना था, ये भी टाइट अभी करवाया नहीं। अभी क्या है, वर्कशॉप ही लेके जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ सारे काम एक साथ ही बाइक के करवा लूँ, बार बार कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो अभी मिलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये अंधेरा अंधेरे में तो क्या ही देखोगे आप। अब रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही है, रिकॉर्ड ही करते जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो कभी तो मेरे कैमरे की बैटरी जल्दी चुक जाती है। तो फाइनली बहुत टाइम बाद हाईवे पे पहुंचे हैं, अब लिए जाएंगे थोड़े मजे, स्पीडिंग के मजे। चलो लेट्स एंजॉय। Let's live for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye. We'll be back someday. चलो भाई ये चलते हैं, थोड़ा पानी पीने रुक गया था, प्यास लगी थी मुझे, तो थोड़ा जल्दबाजी में निकला। आज लगता है पूरा दिन सोते हुए निकल जाएगा। एक छोटा सा काम है वो भी करने जाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। सरप्राइज है एक बहुत अच्छा, ये लगा लो एक न्यू मेंबर आने वाला है, उसके लिए मेरे को जाना है। चलो थोड़े हाईवे के मजे ले। रिपोर्ट दोस्तों, पहुंच गया गुड़गांव, और मैंने कहा ना मेरी प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं लेती है। इंडिकेटर बंद हो गया, अभी 1000 को ऑन कर रहा हूँ, ये तब भी ऑन नहीं हो रहा है। देखो खाली इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। अरे काफी रिस्की है ऐसे बाइक चलाना यार। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, वैसे में आगे जाना ठीक रहेगा या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है रे बाबा। ये लगता है बाइक का सारा काम ना करवाना ही पड़ेगा। राइड से पहले तो ये सारे काम हो जाने चाहिए, वही ज़्यादा बेटर है, तो राइड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। और ये वाला इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है, मतलब दोनों साइड का, एक तरफ के दोनों साइड का बंद हो गया इंडिकेटर, दोनों साइड का बंद। क्या करूँ, चलो देखते हैं।
जाते हैं नहीं जाते, आगे भूख भी ऐसे लग रही है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। करण का कॉल आया था, करण भी एक्चुअली राइड पे आने वाला था मेरे साथ, बट वो नहीं पाया और मैं तो सोया नहीं पूरी रात। तो अभी आया तो कह रहा कहाँ हूँ मैं, कहूँगा आने सर पहुँच गए हम तो भैया, यार भूख बहुत तेज लग रही है। अभी देखते हैं आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे में राइड करना ना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो क्या यार, खुद के लिए सेफ नहीं है, समझ सकते हो यार। अगर आप राइड कर रहे हो तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ और मतलब बाइक कंडीशन भी सही होनी चाहिए। पता नहीं यार ये इसका मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आज काम इसका करवा के रहूँगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आगे एक ढाबा है जहाँ मैं हर बार रुकता हूँ और पराठे खाता हूँ, तो वहीं देखते हैं अगर होता है ठीक है, नहीं तो वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। ज़्यादा लंबा राइड करेंगे नहीं क्योंकि अपने लिए ठीक नहीं है यार, अपनी सेफ्टी तो लेके चलनी चाहिए। और मेरा कंफर्म भी नहीं था ना कि आ जाऊँगा निकल जाऊँगा, हजार तो चल ही रहा था बट एकदम हजार भी बंद हो गया यार। तो चलो पहुँचते हैं वहीं पर, आई थिंक इस पुल के आ गई है, फ्लाई ओवर के आगे, पुल कह रहा हूँ फ्लाई ओवर के आगे। Something.